हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवतल दर्पण से सूत्र m इक्वल टू वी अपान u का निगमन करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह स्पेशल में क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है जो कि पार्ट टू वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट टू यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर 9 में जो टॉपिक है अवतल दर्पण से सूत्र का निगमन करना, ये m इक्वल टू वी अपान u उसी को लेकर चल रहे हैं। तो क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि अवतल दर्पण से सूत्र m इक्वल टू वी अपान u का निगमन कैसे करना है, डेरिवेशन पूरा बताऊंगा कि सूत्र कैसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र यानी इसका परिभाषा पहले आपको बता देता हूँ, इसके बाद आपका डेरिवेशन बताऊंगा कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तो देखिए, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, तो ध्यान से देखिए बस थोड़ा सा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे m इक्वल टू प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, i हो गया वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई, और हमारा जो वस्तु का लंबाई हो गया ऑब्जेक्ट ओ हो गया, ठीक है। m इक्वल टू आई और अपान ओ। आप देखेंगे इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना है वो देखते चलिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। फिगर अगर बना लेते हैं तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक मिरर बनाइए अवतल दर्पण, ठीक है। तो M1 M2 इसका नाम दे देते हैं, दर्पण बना लिए, अवतल M1 M2 इसका नाम दे दिए, और यहाँ पर इसके बीच में मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। पहले मुख्य अक्ष खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ पर पोल दे देंगे यानी P ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटर दे देंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके वक्रता त्रिज्या के पीछे एक वस्तु रखेंगे, ये जो लंबी दिख रही है ये वस्तु है, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वस्तु से जब प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा तो तीन तरह से पड़ेगा। इसमें देखिए रेखीय आवर्धन निकाल रहे हैं, तो देखिए वस्तु से तीन तरह से प्रकाश जाएगा तभी हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, एक जाएगा जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाता है और अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है ना। और दूसरा जो जाएगा हमारा ये देखिए, यहाँ से ध्रुव और मुख्य अक्ष के जो मुख्य बिंदु है वहां से जाएगा, टकराने के बाद ये भी वापस लौटेगा, ठीक है ना। आप देखिए एक और आएगा जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा दर्पण से टकराने के बाद, इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, क्योंकि इसका 90 डिग्री पर एंगल बनेगा, तो फिर उसी माध्यम में वापस लौटेगा। आप देखिए तीनों का जब रिफ्लेक्शन हुआ, इसका जो मुख्य अक्ष के नीचे जहाँ पर काटे हैं तीनों बिंदु मिला हुआ है वह क्या है, यही इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। और इस प्रतिबिंब का नाम देते हैं A'B', ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है, जहाँ पे काटी है F हो गया, और ये देखिए वस्तु की लंबाई AB होगी और प्रतिबिंब की लंबाई A'B', और ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा जो मुख्य समांतर जा रही है इसका नाम m दे देते हैं इस कोने पर, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे कुछ नहीं करना है, बस अब देखना है कि अब त्रिभुज APB, त्रिभुज AP और B, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तथा त्रिभुज A'P B', त्रिभुज देखिए A' यहाँ पर है, P और B' यहाँ पर, देखिए इस त्रिभुज में हम चलेंगे, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। अब देखिए कोण ABP बराबर है कोण A'B'P, A'B'P, और ये प्रत्येक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब देखिए कोण APB बराबर है कोण A'P B', APB देखिए APB और कोण A'P B', APB', ये क्या है, परावर्तन के नियमानुसार चलेंगे। यहाँ परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा नियम पर चलते हैं, इसलिए A' और B', अब लिखेंगे बटा में AB, बटा में लिखेंगे A और B, ठीक है ना, परावर्तन के नियमानुसार चलते हैं। इक्वल टू
पी अबी डैश, पी और बी डैश और बाटा में पी अबी, पी और बी पूरा कर ले लेंगे बाटा के नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सपोज करना है कि यदि ए अबी, यदि ए और बी है ना, जो वस्तु है हमारा ए और बी, ए बी बराबर मान लीजिए वाई वन, क्या मान लेते हैं वाई वन, और देखिए ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश को मान लेते हैं वाई टू, ये मान लीजिए। तो अब देखिए वाई टू अपान वाई वन इजकल टू पी बी डैश, पी यहाँ पर है और बी डैश, ठीक है, और बटा में पी भी ले लेते हैं, पूरा का पी भी ले लेते हैं, है ना। अब देखिए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, और ये प्रतिबिंब का हमारा क्या हो गया, रेखीय आवर्धन हो गया। अब इसको समीकरण वन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए एम इजकल टू प्रतिबिंब की लंबाई होगी ए डैश बी डैश, ठीक है, बताए थे ना ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ए बी बताए ही है, और इसको लेते हैं वाई टू बटा में वाई वन, ठीक है ना, वाई टू बटा में वाई वन, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, समीकरण दो, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद पी और बी डैश, पी और बी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बराबर भी, तथा पी और बी ध्रुव से वस्तु की दूरी यू हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए पी और यहाँ पर बी डैश है, पी और बी डैश, ये क्या हो गई हमारा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई, और पी और बी, पी और बी जो हमारा है ध्रुव से वस्तु की दूरी हो गई, तो इसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अतः समीकरण एक से, अब समीकरण एक से हम लोग यहाँ पर करेंगे तुलना, तो वाई टू अपान वाई वन इजकल टू, वाई टू हमारा हो जाएगा क्या, तो भी प्रतिबिंब की दूरी हो गया ना, प्रतिबिंब की दूरी, और देखिए वाई वन, वाई वन जो हमारा है वस्तु की दूरी, ठीक है ना, यू, तो भी अपान यू। अब देखिए अतः यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे कि अतः समीकरण दो से, अतः समीकरण दो से एम इजकल टू वाई टू अपान वाई वन, यहाँ पर देखिए भी और अपान यू, ये समीकरण दो से ले रहे हैं, ठीक है, परंतु वाई वन जो है वो वस्तु की लंबाई है, वाई वन जो हमारा हो जाएगा वस्तु ओ की लंबाई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं वस्तु की लंबाई, और वाई टू हमारा इमेज जो प्रतिबिंब को डिनोट करता है, तो आई प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा, ठीक है, ओ जो हो जाएगा वस्तु की लंबाई और आई हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सीधे फॉर्मूला निकल कर आता है, ध्यान से देखिए कि एम इजकल टू आई और अपान ओ, ध्यान से देखिए, अब देखिए एम इजकल टू आई अपान ओ और इजकल टू भी अपान यू, एम रेखीय आवर्धन कोऑर्डिनेट करता है, एम इजकल टू रेखीय आवर्धन, आई जो हमारा वस्तु की क्या है प्रतिबिंब है, और वस्तु की ये ओ क्या है दूरी लंबाई है, ठीक है ना सर। अब यहाँ पर इजकल टू भी अपान यू, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एम इजकल टू भी अपान यू, यही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।